आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं जापान की कुछ फेमस पजल्स में से एक केन केन पजल्स, जो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ही सिखाना शुरू कर देते हैं ताकि उनका माइंड अच्छी तरह से डेवलप हो सके। इसके कुछ रूल्स हैं केन केन पजल को सॉल्व करने के लिए। सिंपल 3x3 पजल, जो सबसे बेसिक पजल होती है, वो सिखाई जाती है और 9x9 पजल तक चलती है। 3x3 पजल के अंदर सिर्फ आप 1, 2 और 3 नंबर्स का ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रूल है भाई, अगर जो एक वैल्यू आपके पास एक सेल के अंदर आ चुकी है तो वो रो और कॉलम के अंदर रिपीट नहीं होगी। एक वैल्यू एट ए टाइम एक ही बारी रो या कॉलम के अंदर आएगी। इस 3x3 पजल के अंदर आपको कुछ डार्क बॉर्डर भी नज़र आ रखा होगा। ये डार्क बॉर्डर को जो बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड केजेस। केजेस के अंदर सिंगल सेल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर जो किसी केजेस के अंदर सिर्फ सिंगल सेल है तो उसको फ्री बाय कहा जाता है, और जहाँ पे भी फ्री बाय आता है वही वैल्यू हम एज इट इज़ वहाँ पे सेल के अंदर लिख देते हैं। हर केज के टॉप कॉर्नर पे आपको पास एक टारगेट नंबर और एक मैथ ऑपरेशन होता है। आपने उस टारगेट नंबर को यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन कंबाइन करके फाइनल वैल्यू निकालनी होती है। सपोज़ 9 मल्टीप्लाई है तो 9 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 × 3 × 3। 2 डिवाइड है तो 2 / 1 इज इक्वल टू 2। पहला एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपको फ्री बाय केजेस हैं। इसके अंदर 2 फ्री बाय केजेस हैं, एक आपके पास ये 1 है और एक आपके पास 2 है। तो जब भी आपके पास फ्री बाय केजेस होंगे तो जो वैल्यू आपके पास टारगेट वैल्यू होगी वही आपके अंदर सेल के अंदर वैल्यू हो। इसके अंदर आपके पास 1 है सो सेल के अंदर जो वैल्यू होगी दैट इज 1। Now we can see here this is 4 plus is 1 plus 3, because 1, 2 or 3 ही आ सकते हैं इसके अंदर। तो इस सेल के अंदर वैल्यू 1 होगी, इसके अंदर 3, इन दोनों के अंदर 1 या 3 में से ही ऑप्शन होंगे। Now here you can see 5 plus is there, 5 plus is 2 plus 3 is there, तो either 2 is there or 3 is there in both the cells. Okay, now 2 already occur in this column, so it cannot occur in the same column, so the value here is 3. If 3 occurs, so 5 plus is 3 plus 2, so 2 occurs here. Now you can see 4 plus is 1 plus 3, 3 already occur here, so 3 cannot be repeated, so the value here is 1. So if 1 is there, then 3 is there, 1 plus 3 is equal to 4. Now 3 already occur here, 2 already occur here, so 3 and 2 cannot be repeated in the same column, so the value here is 1. Now 2 and 1 occurs in this row, it cannot be repeated, so the value here is 3. 1 and 3 already occur in this row, so the remaining value is 2. Now you can check 2 plus 3 plus 1 is equal to 6 plus. This is the solution of the simplest Kenken puzzle using simple addition is there. अब हम दूसरा example लेते हैं जिसके अंदर कोई free by हमें available नहीं है, पर सिर्फ हमें plus operator का ही use करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 plus, 2 3 plus हैं, तो 3 plus is 1 plus 2. तो इस सेल के अंदर वैल्यू जो आपके पास आएगी 1 और 2, इसके अंदर भी 1 या 2 में से आएगा, इसके अंदर भी 1 और 2 में से आएगा, और इसके अंदर भी आपके पास 1 और 2 में से आएगा। नाउ 4 plus इज 1 plus 3, सो जो इस सेल के अंदर वैल्यू आएगी 1 या 3 में से, इसके अंदर भी जो वैल्यू आएगी आपके पास 1 या 3 में से आएगी। जब इन दोनों के अंदर 1/3 में से आएगी तो इसके अंदर जो रिमेनिंग रह जाता है 2, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 2। अगर यहाँ पे 2 आएगी तो 3 plus is 2 plus 1, तो 1 आपके पास यहाँ पर आएगा। सेम अगर जो 1 यहाँ पर आ गया तो इन 3 प्लस में भी 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई है दैट इज 2। तो 2 plus 1 is 3, तो 1 आपके पास आएगा इस सेल के अंदर। नाउ इस कॉलम के अंदर 1 और 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, ये रिपीट नहीं हो सकते, तो जो वैल्यू आपके पास नंबर बचता है दैट इज 3, सो हेयर द वैल्यू इज 3। नाउ 1 और 2 इस रो के अंदर आ चुके हैं, तो जो वैल्यू बचती है दैट इज 3। नाउ 4 plus is 3 plus 1, सो 1 इज अकर्ड हेयर।
Now 2 and 1 already occur in this row, so the remaining number is 3. 1 and 3 already occur here, so we can write here 2. Now you can check 8 plus is 3 plus 2 plus 3, that is 8. 3 plus is 2 plus 1, 3, 4 plus is 1 plus 3, 4, and 3 plus is 2 plus 1, 3. This is the solution where no free y is available. अब एग्जांपल और देखते हैं जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों ऑपरेटर का यूज करा गया है. यहाँ पे माइनस माइनस है और यहाँ पे आपके पास प्लस है और फ्री बाय इज अवेलेबल देयर. तो फ्री बाय इज हेयर 3, सो वी राइट 3 हेयर. वन मोर फ्री बाय इज देयर, वी कैन राइट द वैल्यू 3. नाउ 2 माइनस इज 3 माइनस 1 इज 2. फाइनल वैल्यू इज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1, 2 or 3, the final value is 2. So here 1 or 3 may be occurred, 1 or 3 may be occurred. But 3 already occurred here in this row, so it cannot occur here. So value here is 1. If 1 is there, then 3 is there, so that the final value is 2 after subtracting 3 minus 1. So 1 and 3 already occurred here in this row, so the remaining value is 2. Now 1 minus is 2 minus 1. If 2 already occurred here, so we have to subtract 1 from this. 2 minus 1 is, now 1 and 3 already occurred here, so the remaining value we can write here is 2. Now 3, 2 are already occurred in this column, so the value here is 1. 1 and 3 already occurred here, we can write here. You can check 5 plus is 2 plus 1 plus 2, that is 5. So this is the solution where plus and minus both operators are used.